चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन जंग सनफ्लावर तेल की कीमतों में उबाल ला सकती है। यूक्रेन के बंदरगाहों पर 3 लाख टन सनफ्लावर तेल अटका हुआ है। इधर सरसों के तेल में नरमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक खबर यह भी है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड हाई पर सनफ्लावर तेल खरीदा है। भारत ने रूस से $2150 प्रति टन C&F भाव पर सनफ्लावर तेल 45,000 टन खरीदा है। रूस यूक्रेन जंग से पहले C&F पर सनफ्लावर के भाव $1630 प्रति टन थे। अप्रैल के मध्य में रूस से सनफ्लावर ऑयल की डिलीवरी संभव है। बता दें कि भारत सालाना 25 लाख टन सनफ्लावर तेल का आयात करता है। यूक्रेन से 70%, रूस से 20% और अर्जेंटीना से 10% सूरजमुखी के तेल का आयात होता है। ऐसे में जंग के कारण यूक्रेन से सनफ्लावर के तेल इंपोर्ट पूरी तरह बाधित हैं। यूक्रेन के बंदरगाहों पर अभी भी 3 लाख टन सनफ्लावर तेल अटका हुआ है। रिकॉर्ड फसल के बावजूद सरसों के भाव में ज्यादा कमी नहीं आई है। मंडियों में MSP से अधिक भाव पर सरसों अभी बिक रही है। किसानों की तरफ से मंडियों में सप्लाई काफी कम है। सरसों वायदा में बैन हुए करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका है। वहीं खाने के तेल के दाम पर नजर डालें तो एक साल में करीब 15-20% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में खाने के तेल का 13% इंपोर्ट रूस और यूक्रेन से हुआ है। 2021 में खाने का तेल का 16 लाख टन इंपोर्ट हुआ है। देश में सरसों की आवक बढ़ने के बाद भी खाने के तेल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल के दाम बढ़े हैं। इंडोनेशिया में पाम ऑयल पर सख्ती बढ़ी है। मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन घटा है। देश में मांग के मुताबिक खाने के तेल का उत्पादन नहीं हुआ है। 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच पाम ऑयल 21% महंगा हुआ है। बता दें कि देश में खाने के तेल में पाम और सोयाबीन तेल के बाद सनफ्लावर ऑयल की मांग ज्यादा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।